मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश हो रही है। कल शाम से लेकर अभी तक लगभग 8 इंच के लगभग बारिश हो चुकी है। शहर के सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। क्या स्थिति है शहर की, अब तक क्या हालात हैं, आप जानकारी दें। पानी जरूर काफ़ी गिरा है, पिछले 12 घंटे में 10 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो नदी या नालों किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर चूँकि एक्सेस रेनफॉल हुई है तो वहाँ की बस्ती में जरूर पानी गया है। और ऐसे गौरीनगर के पास एक नदी में पानी काफ़ी आने से वहाँ पर होमगार्ड की टीम भेजी गई है और कुछ नावों से, कुछ घरों में लगभग 25-50 लोग रहे होंगे, उनको नाव से शिफ्ट किया गया है। और भी जो लोग, जिनको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को जितने घरों में शिफ्ट करना चाहिए कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर नारायणगढ़ रोड पे यहाँ मौके पे हैं, यहाँ भी करीबन 50 घर होंगे जिनको शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षित व्यवस्था करके। यहाँ पर भी SDRF की टीम आई हुई है। सर, कोई बाकी ओवरऑल जिले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पानी जरूर हुआ है पर ऐसा कहीं अभी नियंत्रण के बाहर वाली स्थिति कहीं नहीं है। सर, कोई नाले में किसी के बहने की कोई सूचना? एक छतरीपुरा थाने और चंदन नगर थाने से लग के एक चांदबाड़ी का नाला है, वहाँ पर सूचना मिली है। पुलिस और ADM SDM से मौके पर ही हैं और उसका पता कर रहे हैं, क्या वास्तविकता पता कर रहे हैं कि क्या घटना हुई है। तो अभी वो कन्फर्म होगा फिर।